गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज टिफिन में बन रहा है पनीर बटर मसाला, जिसे हम रेडीमेड पैकेट से बनाएंगे, क्योंकि आज मेरा जो होममेड प्रीमिक्स है वो खत्म हो गया है। तो आज मैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए लाई थी कि ये होममेड से अच्छा है या फिर होममेड वाला अच्छा है। तेल गर्म हो जाए तो कैप्सिकम ऐड करेंगे। वैसे पनीर बटर मसाला में कैप्सिकम नहीं होता, लेकिन पनीर थोड़ा सा कम है इसलिए मैंने यहाँ पर कैप्सिकम ऐड किया है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तो इसे हम तेल से निकाल लेंगे। अब उसी तेल में हम टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। कलर के लिए थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब ग्रेवी में से तेल छूटने लगे तब तक हमें इसे पकाना होगा। तो यहाँ पर ग्रेवी अच्छे से पक गई है, तो उसी के साथ हम कैप्सिकम ऐड करेंगे, पनीर भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे, और रेडीमेड वाली ग्रेवी भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। बटर ऐड करेंगे। सब्जी में ग्रेवी कितनी चाहिए उसी के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हो। सब्जी में अच्छा सा उबाल आ जाए तब तक हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सब्जी में अच्छा सा उबाल आ गया है, तो यहाँ पर हमारी सब्जी रेडी है। थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे आखिर में थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और साथ में बनाया है सिंपल पराठा। तो पराठा को पैक करने के लिए मैंने यहाँ पर ओडी यूनिरेप पेपर फॉइल लिया है, क्योंकि इसमें पैक किया हुआ खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल या मेटल नहीं है, तो हम इसका बिना टेंशन यूज़ कर सकते हैं। और ये है गुंदा केरी का मिक्स अचार, जिसकी रेसिपी आज 10 बजे आएगी, तो वो ज़रूर देखिएगा। और ये है पनीर बटर मसाला। तो टेस्ट करने पर मुझे मेरा होममेड वाला प्रीमिक्स ज़्यादा अच्छा लगा, तो वो रेसिपी ज़रूर देखिएगा। तो ये है मेरा आज का टिफ़िन। आज आपने टिफ़िन में क्या बनाया वो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, तो मुझे भी आइडिया आएगा।